अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आप फ्रेंडशेक ऑफिशियल ब्लॉग में। अभी हो रही है तैयारी तहरी बनाने की। ये सब मसाले इन्होंने एक साथ काट के रख दिया और हम लोग यहाँ सब लोग बैठे हैं। ठंडी लग रही थी इसके लिए चूल्हा भी जला हुआ है, सिक्योरिटी भी चाली और यहाँ मैं मजाक चल रहा है मेरा। तो यहाँ पर हो गया था ऑयल गर्म और ये ऑयल गर्म होने के बाद ये इन्होंने डाला था सबसे पहला कांदा। कांदा डालते ही इन्होंने कांदे को अच्छे से फ्राई किया और बीच बीच के मैंने क्लिप मैंने हटाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने जितने की ज़रूरत थी उतना ही लिया। फिर ये लोग डाले जो जो मसाले डालना है वो सब मसाले डाले। कांदे को पहले ना अच्छे से फ्राई करा क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा तहरी कैसे बनाते। मैंने ना कभी खाया है तहरी, ना मैंने कभी बनाया है, ये फर्स्ट टाइम ही खाया है। बनाते हुए भी देखा मैंने फर्स्ट टाइम ही, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्योंकि सब मसाले एक साथ लेके एक एक करके डालते। फिर उन्होंने जैसे ही कांदा फ्राई हो गया उन्होंने डाला टमाटे। इसमें ना छोटे छोटे जो मसाले होते हैं वो भी डाला है, वो वीडियो मेरा स्किप हो गया है। तो इन्होंने डाला टमाटर। टमाटर डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करना है टमाटर। फिर देखो उन्होंने कड़ी पत्ता भी डाला ऊपर से, कड़ी पत्ते की एक अलग से ही खुशबू आती। फिर इसको ना धीमे आग करके ना ढक्कन ढक के रख देना है क्योंकि टमाटे को अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए। देखो थोड़ी देर में इन्होंने चेक किया कि टमाटे अच्छे से सॉफ्ट हुए कि नहीं, और इन्होंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है जो मैंने नहीं दिखाया। तो ये अदरक लहसुन भी साथ में डालना है तो जो उसमें की स्मेल है ना वो निकल जाएगी। फिर उसके बाद डालना है आपको नमक। नमक डालने से क्या होता है टमाटर ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाते, ऐसे जल्दी सॉफ्ट नहीं होते, बहुत टाइम लगता है। तो मैं भी हमेशा टमाटर सॉफ्ट करने के लिए नमक डाल ही देती हूँ। फिर ये डाल रहे अपने मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, कलर, ये सब कुछ डाला। कलर तो इन्होंने इतना बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, मुझे नहीं पता था इतना यूज़ करते कलर। और ये अभी डाला इन्होंने कस्तूरी मेथी। डालने के बाद इन्होंने डाला लाल कश्मीरी लाल मिर्च और घर का मसाला भी थोड़ा सा उसमें डाला। कस्तूरी लाल मिर्च से कैसा कश्मीरी मिर्ची से कैसा कलर अच्छे से आता है, अपने मिर्ची से इतना कलर नहीं आता जितना उस मिर्ची से आता है। तो सब डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें डालना है हमें दही। दही डालने के बाद ना दही को अच्छे से फटाफट फेंट लेने का, नहीं तो दही ना फूटा फूटा लगता है। ऐसे मिक्स करना है कि पता ही ना चले कि इसमें दही है करके। मेरे को दही ना डालने के टाइम कैसा ही लगता है पर खाने के टाइम अच्छा लगता है, दही का टेस्ट ही कुछ अलग ही आता है। टमाटर खट्टा लगता है, टमाटर भी है दही भी है, सब अच्छे से मिक्स हो गया। इसके ऊपर इन्होंने डाला तेज पत्ता। मैंने बोला ऐसे ऊपर से कि तो बोले ऊपर से डालते क्योंकि इसमें खुशबू अच्छी आती। तो इन्होंने अच्छे से तेज पत्ता डाला। ये अम्मी आके खड़े यहाँ पर कुछ तो बात कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने डाला नींबू। वहाँ के नींबू भी इतने बड़े बड़े होते हैं, एक नींबू आधे नींबू में काम हो जाएगा, तो एक नींबू इन्होंने पूरा डाला। फिर इसके बाद इसमें डाला मटन। मटन का वीडियो मेरे से स्किप हो गया था डालते हुए, डायरेक्ट मैंने ऐड करता हुआ ही आप लोग को दिखाया क्योंकि मटन भी ना बॉईल किया हुआ था, ऑलरेडी बॉईल करके रखा था अदरक लहसुन लगा के। फिर उन्होंने डाला पानी। पानी ने गिलास से करके डाला, गिलास भर के। तीन गिलास चावल ले रहे हो तो आपको उसके मेजरमेंट के हिसाब से पानी डालना। तो हमारा पता नहीं कितने गिलास थे चावल और कितना गिलास पानी डाला, इन्होंने बोला खाली मेजरमेंट से डाला। फिर जैसे पानी अच्छे से बॉईल होता है ना तभी आप लोग को इसमें चावल डालना है, कि ऐसे ही नहीं डालना है। चावल तभी ही डालना जब पानी अच्छे से बॉईल होगा। तो यहाँ हम लोग दूसरे मोबाइल से वीडियो शूट करें क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरे मोबाइल मैंने साइड में रखा था। तो देखो कैसे मेरा मोबाइल लेके खेल रही थी, तो मैंने उसके हाथ से फ़ोन लिया और मैं चली गई। उसको फ़ोन चाहिए खेलने के लिए, नहीं तो वो फेंकती विकती नहीं है, खाली जिसका फ़ोन उसको दिखता हाथ में वो सबका फ़ोन दे देती है। मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रही हूँ, मेरे फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम हुआ था वहाँ जाने के बाद। तो चावल डालने के बाद चावल देखो इतने पक गए थे, ऑलमोस्ट इतने पकने के बाद आग थोड़ी सी कम करके इसको ढक के रखना है। जो भी कोलसा होगा वो आपको प्लेट के ऊपर रखना है। फिर 10 मिनट के बाद निकाला तो देखो चावल का पक्के हो गए थे रेडी, और हम लोग बैठे थे खाना खाने आज बाहर दस्तरखान लगा के, क्योंकि घर में खा रहे थे। अभी आज बोले चलो चूल्हा भी गर्म है, ठंडी भी पड़ रही थी, यहाँ पर आग भी लगी हुई, सिक्योरिटी सब लोग कर रहे, तो खाना भी हम लोग बैठ के खाते हैं बाहर, इन्जॉय करते फैमिली के साथ। तो खाना बिना होने के बाद ये जाके लेके आए केक, क्योंकि इन दोनों की थी एनिवर्सरी। हमें थोड़ा लेट पता चला, फिर हम लोग तो हमेशा इन्जॉय करने के लिए हमें मंगता है, पता है आप लोग को फिर बाद में हम लोग कितनी मस्ती करते। तो हम लोग को सिर्फ मौका चाहिए था, फिर वो मौका हमें मिल गया, इनकी एनिवर्सरी आ गई बीच में। देखो कितना अच्छे से सेलिब्रेट किया है। तो चलो आप लोग को आगे का सब कुछ मैं दिखाती हूँ।
तो हमारा हो गया एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। इनको इतना इनका आंख ख़राब किया था फ़ोम से कि पूछो ही मत, पूरा भरा दिया था। मैं तो नहीं भरी थी क्योंकि मेरे हाथ में हमेशा रहता है कि फ़ोन, तो फ़ोन रहता तो मैं किसी को अपने पास आने ही नहीं देती। इनको थोड़ा कम लगाया था क्योंकि छोटा बच्चा है, इसको तो पूरा ही भर दिया था। हम लोगों ने इतना मज़ा किया, आगे की कॉमेडी आप लोग को दिखाती हूँ। कितना मज़ा था कि ये बैठे थे केक खाने को, इनको पता ही नहीं था, पीछे दोनों स्प्रे लेके खड़े थे, पीछे जैसे ही पलटी देते इतना बुरा आया। तो चलो मिलती हूँ ताकि नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।